हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिष स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की बुक, जिसका चैप्टर है 5वां और हमारे चैप्टर का नाम है छोटू। इस सेशन में मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराऊंगी और मैं सारे चैप्टर जो है पढ़ा चुकी हूं। अगर आपको देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास जो है वो शुरू करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर छोटू का घर और इसके क्वेश्चन आंसर आइए आपको बताते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि पेज नंबर 31 पे क्या क्वेश्चन लिखा गया है। लिखा है चित्रों में छोटू की कहानी बताई गई है, देखकर बताओ। क्या बताना है देख के? तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, कहानी बतानी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर होगा वो ये, यहाँ से शुरू करते हैं। छोटू क्वेश्चन पहले है, छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, जब छोटू ने पाइप को देखा, ठीक है, तो उसे लगा कि पाइप उसके रहने के लिए बड़ी अच्छी जगह हो सकती है। पाइप उसे तेज़ हवाओं, बारिश, ठंड, धूप से बचा सकती है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, छोटू ने पाइप को का इस्तेमाल किस तरह किया, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, छोटू ने पाइप को अपना घर बना लिया। फिर क्वेश्चन है, छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को कौन कौन से हिस्सों में बांटा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को निम्नलिखित हिस्सों में बांटा है। तो कौन कौन से हिस्सों में बांटा, जैसे कि उसने सोने का जगह बनाई, कपड़े सुखाने की जगह बनाई, दोस्तों मेहमानों की जगह बनाई, खाना बनाने की जगह मिलाई और पानी रखने की जगह बनाई। इस तरीके से उसने अपनी पाइप को निम्न तरीके से बांटा है। अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, वो ये है, छोटू को कि इस घर के कौन से हिस्से में ज़्यादा समय बिताना पसंद होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, छोटू को दोस्तों और मेहमानों की जगह में ज़्यादा समय बिताना पसंद होगा। तो छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने को क्यों कहा। तो इसका आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, मोनू के पास रहने की जगह नहीं होगी और छोटू को दोस्त की ज़रूरत थी, इसलिए उसने ऐसा उससे कहा। अब हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 32 पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है, अपने घर का चित्र कॉपी में बनाओ, उसमें रंग भरो। तो क्या करना है आपको, अपने घर का चित्र बनाना है। फिर अब क्या करना है, तुम्हारे घर में कौन कौन लोग रहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा, मेरे घर में पिता, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भैया, मेरी भाभी रहती हैं। फिर एक छोटा सा बच्चा है मेरा, वो रहता है। मैं अपने बारे में बता रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है आपके घर में जितने लोग हैं वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, आपको यही लिखना है। अब है, छोटू ने पाइप को अलग अलग हिस्सों में बांटा, तुम भी अपने घर को अलग अलग हिस्सों में कैसे बांट सकते हो। तो हमारे घर के हिस्से में क्या क्या होता है, बैठक होती है, शौचालय होता है, रसोई होती है, शयन कक्ष होता है, स्नान घर होता है, पढ़ने का कमरा होता है। इस तरीके से कई सारे हिस्से जो होते हैं हमारे घर के होते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, एक दिन में तुम घर के किस हिस्से में कितना समय बिताते हो। तो घर का हिस्सा शयन कक्ष में 8 घंटे बिताते हैं, बैठक में 1 घंटा बिताते हैं, इस तरीके से हम बता सकते हैं। और पढ़ने के कमरे में कितने घंटे लगाते हैं, 4 घंटे पढ़ने के कमरे में, रसोई में 1/2 घंटा, स्नान घर में 1/2 घंटा। इस तरीके सबसे ज़्यादा समय हम किस में बिताते हैं, सबसे ज़्यादा समय हम सोने में बिताते हैं। यह कह रहे हैं, क्या घर का कोई हिस्सा ऐसा है जिसमें घर के कुछ लोग ज़्यादा समय बिताते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा, हाँ, मेरी माँ सबसे ज़्यादा रसोई में बिताती है। फिर आंसर क्वेश्चन है हमारा, क्या घर का कोई ऐसा भी हिस्सा है जिसमें घर का कोई खास व्यक्ति जाता ही नहीं है, बहुत कम जाता है। तो आंसर हो जाए, मेरे पिताजी रसोई में कभी नहीं जाते या बहुत थोड़े समय के लिए ही जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन जो है पेज नंबर 34 पे है। तो ये कह रहे हैं, ऐसे 2 जानवरों के चित्र बनाओ जो इजाज़त के बिना हमारे घर में रहते हैं, उनका नाम लिखो। जैसे कि चूहा और छिपकली जो है हमारे घर में बिना इजाज़त के रहते हैं। फिर अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है, तुम अपने घर को कैसे साफ़ रखते हो। हमारा आंसर हो जाएगा, मेरा घर निम्न तरीके से साफ़ रखा जाता है, जैसे घर में रोज़ झाड़ू लगता है, घर में रोज़ पोछा लगता है, स्नान घर और शौचालय को नियमित सफाई होती है, महीने में एक बार वैक्यूम क्लीनर्स से पूरे घर की सफाई होती है। इस तरीके से उन्होंने सफाई के बारे में बताया है। और आगे चलते हैं तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे घर में सफाई के काम कौन कौन करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा, झाड़ू पोछे के लिए एक दाई आती है, हम सभी लोग बारी बारी से स्नान घर और शौचालय की सफाई करते हैं, पूरे घर की सफाई में भी हम अपना हाथ बटाते हैं। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, तुम अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हो।
तो हमारा आंसर हो जाएगा, हम अपना घर का कूड़ा कचरा सड़क पर रखे कचरे के डिब्बे में डालते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे घर के आसपास सफाई रहती है? तो उत्तर होगा हाँ, मेरे घर के आसपास जो है वो सफाई रहती है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, अब हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 35 पे। तो क्या क्वेश्चन है, क्या तुम अपने घर को किसी खास तरह से सजाते हो? कब और कैसे सजाते हो? तो उत्तर हो जाएगा त्योहारों और अन्य खास मौक़ों पर हम अपने घर को अच्छी तरह से सजाते हैं। उदाहरण के लिए दिवाली पर हम अपने घर को रंग बिरंगी बत्तियों और रंगोली से सजाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अपने साथियों से पता करो वे अपने घर को कब और कैसे करते हैं। तो ये आपको अपने साथियों से पूछना है, फिर स्वयं लिखना है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, तुम अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाते हैं उनके नाम लिखो। तो निम्न नाम जो है निम्नलिखित हैं जिनसे मैं अपने घर को सजाता हूँ। फूल, पोस्टर, पेंटिंग, फूल, फ़ोटो, मूर्तियाँ, सजावटी लाइट, सजावटी सामान, इन सब चीज़ों से अपने घर को सजाते हैं। इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हो गए। उम्मीद है आपको क्लास जो है पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन क्या है, सजावट में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, घर की सजावट में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो आपको एक कमेंट करके बताना है, ठीक है? ये आपको कमेंट बॉक्स में, जो हमारा कमेंट बॉक्स होता है उसमें आपको बताना है। अब बारी हमारी गुरु दक्षिणा की, ठीक है? बारी किसकी है, गुरु दक्षिणा की। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना होता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और शेयर करना होता है। भाई गुरु दक्षिणा ज़रूर देकर जाइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।